विश्व पर्यावरण दिवस पर आज नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष और ग्रीन होप संस्था के फाउंडर संदीप नाइक के नेतृत्व में सीवुड सेक्टर 50 स्थित सिडको प्लॉट में वृक्षारोपण अभियान को गति दी गई, जहां इस अवसर पर मुख्य तौर पर मौजूद थे एरोली के विधायक गणेश नाइक, साथ ही उपस्थित थे पूर्व सांसद संजीव नाइक, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, भाजपा महामंत्री, भाजपा के पूर्व नगर सेवक पूर्व नगर सेविकाएं और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान प्रभाग के नागरिकों और विभिन्न एनजीओ संघ गणेश नाइक, संजीव नाइक, संदीप नाइक और सागर नाइक सहित उपस्थित मान्यवरों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ का सभी को संदेश दिया। इस दौरान स्थानीय पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के ने गणेश नाइक से 15,000 आबादी वाले इस क्षेत्र में सामाजिक उपयोग के लिए सिडको द्वारा आरक्षित 14 भूखंड के हैंडओवर का मुद्दा उठाया, जिस पर गणेश नाइक ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस संदर्भ में सिडको अधिकारियों के साथ जल्द बैठक लेकर भूखंड हैंडओवर करवाने का मुद्दा सुलझाया जाएगा। इस दौरान गणेश नाइक ने आगे कहा कि ग्रीन होप के माध्यम से नवी मुंबई के पर्यावरण संवर्धन की दिशा में उठाए गए कदम को सफल बनाने के लिए अब सभी को एकजुट होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।